सिम हैं जो ये रखे हुए हैं, और एक ये इनका टैबलेट फ़ोन है। तो ये क्या करते थे कि अपना क्विकर हो गया, OLX हो गया, sign.com हो गया, इन सब इसमें अपना ऐड देते थे, और उसके बाद जब लोग कॉल करते थे तो उनसे पैसे की डिमांड करके, और बहुत बड़ा अमाउंट नहीं, 4,000, फिर अगली बार फिर पहले कहेंगे आपका, क्योंकि आप इम्प्लॉय बनने वाले हैं तो अकाउंट खुलवा लीजिए, 4,000, फिर और मांगेंगे, ऐसे करते करते किससे 10,000, किससे 20, किससे 30, किससे 40, किससे 50, जो अब तक समझ में आ रहा है कि ये लोग जितने 1-1.5 साल से एक्टिव हैं और अब तक लगभग इन्होंने जो है 50 लाख रुपए की ठगी कर दी है। इसके साथियों के बारे में अभी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं कितने लोग इसके साथ थे। इसके साथ ही हम लोग हिदायत देना चाह रहे हैं बैंकों को कि जब बैंकों में भी लोग ये अप्रोच करते हैं कि उनके साथ इस तरह की ठगी हो रही है और रेगुलर रूप से करने लगे हैं, तो बैंकों की भी अब जिम्मेदारी बनती है कि वो पुलिस को सूचित करें और एक एप्लीकेशन भेजें कि इस तरह के लोग उनके यहाँ उपस्थित हो रहे हैं, ताकि हम इस तरह के जो ये फर्जीवाड़ा करने वाले अपराधी हैं इनको गिरफ्त में ले सकें। इसके अलावा भी हम लोग बार बार एडवाइसरी